फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। अरे वाह 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 आंटी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें अपने नए जाती घर में अपनी मन पसंद शरीक हयात के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुमामीन आमीन। मिठाई किस खुशी में? वैसे मिठाई तो आपको खिलानी चाहिए, इतने बड़े घर में रिश्ता तो तय हो रहा है आपका। अरे अजान ने अपना जाती घर ले लिया। वैसे आंटी अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की वो अकलमंद लड़कियां जो सिर्फ सूरत पे नहीं मरती, जिनको घर और दौलत सब कुछ चाहिए, आप मेरे रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अब ये फैसला लेंगी कि बाहर तन्हाई में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि पाकिस्तानी एक अच्छी लड़की को अपना लिया जाए। नहीं नहीं बेटा, पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी नहीं होती, तो बहुत साबिर और शाकिर होती हैं। उन्हें और चाहिए क्या होता है सिवाय मोहब्बत के। चाहत की एक नजर पर सारी जिंदगी बार देती है। दुनिया जानती है मैंने ताबी के पापा से ऐसे ही मोहब्बत की थी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है आंटी। ना, है? ये सब कुछ आपके जमाने में होता था, अब तो सब कुछ मटेरियलिस्टिक हो गया है। अब तो बस मोहब्बत हो ना हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। मामा मेरा क्या होगा, मेरे पास आलीशान तो क्या, टूटा फूटा घर भी नहीं है, और ये बंगला भी मामू का है। मेरी तो सारी दुआएं सारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू आंटी, अपने लिए तो कुछ ना कर सका, तुम्हारे लिए स्टैंड जरूर लूंगा, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे चुन लूंगा सारे। थैंक यू सो मच, लेकिन रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और जो घर लिया है ना वो आपकी सोसाइटी में लिया है। जी असलान बनता है ये वाला। आ जाए। ओ तुम हो, ये सब क्यों बिखेरा हुआ है? कुछ दिन जबरदस्ती ही सही, तुम्हारा मेहमान बन के रहा हूं, इस घर में गुजारे सारे खूबसूरत दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। I'm sorry इस्लान, तुमने दिल पे ले ली बात, मैं ताबी से वैसी बात कर रही थी। अरे नहीं यार, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत, तुमने मुझे एहसास दिलाया और देखो ना आज एक घर का मालिक बन गया हूं मैं, वरना मुझ पे होता तो ये काम मुझसे कभी नहीं हो रहा था। अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन सच बताऊं मैं खुश नहीं हूं मैं। ये तो बहुत अजीब बात है। नहीं, जिनके दिल खाली होते हैं ना उनको ये मालो दौलत इज्जत शोहरत प्रॉपर्टी किसी चीज से खुशी नहीं मिलती। क्या हुआ उदास लग रहे हो आज बहुत? उदास तो अमन में उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हारा रिश्ता आया था।
आवाजों में अपनी खुशी के अलावा और कुछ नजर भी तो नहीं आता। प्लीज प्लीज इनकार कर दो इस रिश्ते से। क्या हुआ, जलन हो रही है कि मेरे लिए इतना अच्छा प्रपोजल आया, या फिर हैरत कि मुझ जैसी आम सी लड़की को इतना अच्छा लड़का हाँ कैसे करके चला गया? हैरत नहीं हो रही, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जहां देखूं तुम ही नजर आती हो सिर्फ। कहते हैं कि चांद की तरफ देखो ना तो कोई बुढ़िया चरगा घाट में नजर आती है, लेकिन मैं पागल हूँ, मुझे सिर्फ तुम नजर आती है वहां पे भी। लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। क्या लगता है तुम्हें, इतनी बेवकूफ हूँ जो कहोगे मान लूंगी? मान लो तो बेहतर है, जो कह रहे हो ना मेरे दिल की बात है। इस राज को मैंने बहुत अरसे तक अपने अंदर छुपा कर रखा है, और तुम्हारा ये फजूल रिश्ता नहीं आया होता ना तब ये बात अपने अंदर ही रखते, मगर अब देर नहीं करना चाहता मैं, तुम्हारे अब्बा से तुम्हारे हाथ मांग लूंगा। सुनो, तुम एक्टिंग में ट्राई करो, तो फुल जम से तुम्हारे अंदर एक्टिंग के, अब चांस बन सकता है तुम्हारा। तुम या तो बहुत जिद्दी हो या पागल हो, अरे तुम्हें नजर नहीं आता यार, अपना घर बार अपने लोग सबको छोड़ के आए हो यहाँ पे पड़ा हुआ, और तुम हो के पागल कहा तुमने मुझे? मैंने उसके आगे भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही सुनाई देता है जो तुम्हारे मतलब का हो। खैर, अज़लान नाम है मेरा, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। यदि इंसान को खुद सिखाए ना सिखाए, मजबूत जरूर बना देती है अमन। लव स्टोरी से काम नहीं चला तो यतीमी के नाम से इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अमन, तुम सिर्फ मेरी हो, और एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हें जीत ही लेगी। समझाऊं उस पागल लड़की को? मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूं? हो सकता है मुझसे मजाक कर रहा हो या मेरा मजाक बना रहा हो, लेकिन मुझे सासर से शादी भी तो नहीं करनी। या अल्लाह, कहां फंस गई मैं? अमल, अमल मोहल्ले के बच्चों ने ना क्रिकेट टीम बनाई है नई, मैं तो विकेट कीपर हूँ, तुम्हारा नाम डलवा दूँ उसमें? ताबी मेरी विकेट गिर गई। क्या? इधर बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कम ऑन, अब ये मत कहना कि आज़र तुम्हारे साथ सूट करता या नहीं करता, मामू जान ने फैसला कर दिया, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। क्या मतलब है, पापा ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया? मामा तो कुछ इसी तरह बता रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी करके तुम लोगों से दूर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। ताभी तुम अपनी चोंच बंद रखो यार। मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने कहा था कि उसका वेलकम करो इतने अच्छे से, कभी जूस, कभी बिस्किट, कभी पानी, कभी कुछ। तुम्हारी खुश अखलाकी देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो अभी उसके साथ चल पड़ोगी, और मेरे ख्याल में मामू को भी यही चीज अच्छी लगी होगी। ताभी ये सब तो मैं उस अज़लान को जलाने के लिए कर रही थी। हाँ ना, तुमने देखा नहीं कितना इतराता फिर रहा था, ऐसे जैसे कोई लड़की उसे इनकार कर ही नहीं सकती, इसलिए किया मैंने ये सब। लेकिन मुझे क्या पता था कि पापा हुजूर इस रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे, लेकिन अब मुझे रिश्ता नहीं करना, प्लीज 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 प्लीज। या अल्लाह,
या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, तूने जो भी दिया बिन मांगे दिए, बस आज आज मैं तुझसे अमल को मांग रहा हूं। अल्लाह मियां, कुछ ऐसा हो जाए कि उस बेवकूफ के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, कुछ कुछ ऐसा हो जाए कि वो सुबह उठे ना तो मुझे मजनू की, अरे मेरा मतलब है कि लैला की तरह मेरे पीछे पीछे घूम। ये अल्लाह बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे। प्यार भी कर लिया और इजहार भी हो गया, अब जो करना है उसने करना है, सो रिलैक्स। एक बार फिर मोहब्बत ने इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी है, मगर अफसोस हालात अब भी वही हैं। पहले की तरह अब भी मासूम मोहब्बत टूटने को है, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं करता कि इस पर जीत मोहब्बत की हो जाए। सिकंदर हो गया बाजी, चीख क्यों रही है, कान पे लगाए ना ये जो लगाती हैं हम। फिर तुम सोचो में गुम हो गए हो। एक बात बताओ, ये इतने सालों से यही काम करते करते तुम बोर नहीं हुए? बाजी मैं अमल और अजलान के बारे में सोच रहा हूँ, बेचारे क्या करेंगे वो लोग, यार फंस गए वो। परेशान तो मैं भी बहुत हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ सिरा हाथ नहीं लग रहा। और ये जो भाईजान है ना, खड़ूस आदमी है, बता रही हूँ टस से मस नहीं होंगे। अजलान और अमल के मामले में ना उस इस हार टकले को बर्बाद कर दूंगा मैं टकरा जाऊंगा, पांच पांच कर दूंगा उसको मैं। सिकंदर मेरे मुन्ने भैया, तुम्हारे टकराने से ना भाईजान का नुकसान होगा, ना अमल और अजलान का फायदा, लेकिन तुम्हारी टांगे फिर चूर चूर हो जाएंगी। फिर टांगे? उन्होंने बकायदा अटैक किया था, मैं ह्यूमन राइट्स वालों के पास गया, उन्होंने कहा नहीं हो सकता कुछ भी, उस टाइम पे नहीं था ये वायरल चीजें, नहीं होती थी उस टाइम पे, मेरी टांगे तोड़ दी उसने। हॉकी से मैं क्या हाथ पैर रखे बैठ जाऊं? नहीं तो तुम टांग पे टांग धरके बैठ जाओ, तुम्हारा यही तो काम है, इतने सालों से यही कर रहे हो। हाँ फिर मेरी टांगों पे आ गई बाजी, ये एक मेरा भाईजान का मामला था, यही ना, उन्होंने हॉकी से मेरी टांग तोड़ी थी। तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी, बात कर लूंगी भाईजान से, समझ जाएंगे वो मेरी बात। मुझे लगता है कि आप लोग भी ना मेरी तरह अमल को लेकर परेशान है ना, मगर मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? मामा, क्यों ना हम आसर को मामू की गैर मौजूदगी में बुलाकर बेइज्जत करवाएं, इस तरह ना वो ख्वाब में भी इस घर का दामाद बनने का कभी नहीं सोचेगा। वाह वाह वाह, क्या घटिया आइडिया है, मतलब तुम चाहते हो कि तुम समेत हम सब जो है घर से बाहर खड़े हो, वो जो इजहार है ना वो टकला, वो हमें घर से बाहर निकाल देगा, उसके चक्कर में वो बता देगा उसको, बकवास आइडिया, फ्लॉप आइडिया, आउट गेट आउट। रहा मेरा बच्चा। जी मामा। तुम जाके ना गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो, कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ यही कर सकता है, हमें सीरियसली सोचने दो। चल चल भाई, चल। सस्ता आइडिया दे रहा है। भाई जी सीरियसली आप सच, मतलब कब तक मैं ये प्यास काटता रहूंगा, कब तक? टांगे चलती रही ना, हाथ चलाओ। तुम यहाँ? तुमसे मिलने नहीं आई, वॉक करने आई। क्यों? अमेरिका जाने से पहले फिट होना चाहती हो क्या? फिट तो मैं पहले से हूँ, और अमेरिका जाना मेरा कोई ख्वाब नहीं है। जाना भी मत, वहाँ जाके किसी गोरी के बच्चे संभालने पड़ेंगे तुम्हें। तुम अभी तक नहीं भूले? कैसे भूलूंगा भला, सब तो भूल गया, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैशन, अपना घर बार, ये याद है तो सिर्फ एक चीज, तुम और सिर्फ तुम। फिर शुरू हो गया, क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ, किसी भी बकवास पे यकीन करूंगी? हाँ तो करना तो पड़ेगा, मैंने तुम्हारे इतने झूठ पे यकीन किया है तो मेरे एक सच पे यकीन नहीं कर सकती? बहुत डायलॉग आते हैं तुम्हें। एक बार हाँ कर दो, सुबह शाम इससे अच्छे डायलॉग सुनाऊंगा। पागल, एक छोटी सी हाँ है। हेलो, बात सुनो ना, मान जाओ, अरे मान जाओ ना प्लीज। हाँ भाईजान,
भाईजान चाय। भाईजान चाय नहीं पी रहे तो कॉफी पी रहे? एक मिनट बाजी, एक चीज तो अच्छी बनाती। चाय और कॉफी के अलावा भी कुछ काम होते हैं सिकंदर, जो किसी को करने होते हैं। क्या हो गया? हाँ कैरी ऑन कैरी ऑन। भाईजान ठंडी हो जाएगी चाय? चाय में चीनी डाल दो सादा, ठंडी हो जाएगी। समोसे वगैरह चाय के साथ करा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पापा आपने चाय क्यों नहीं पी? I'll get back to you. क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ये आज सारे घर को मेरे चाय की फिक्र क्यों लाख हो गई? वजह ना, आज वर्ल्ड टी डे है। ठीक है पापा, आप फिक्र नहीं करें पापा, जब मैं सात समंदर पार चली जाऊंगी फिर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने चाय पी या नहीं। पीती क्या हो गया? पी लेता हूँ मैं चाय, पी लेता हूँ, दिल में रहती है, तुम कहाँ जाओगी? भाईजान एक बात कहूँ, पाकिस्तान में अच्छे रिश्ते मिलना बंद हो गए थे जो अमल को हम सात समंदर पार भेज रहे हैं। क्यों यार? बदल गया दौर, अब कौन दूर है, सब करीब ही है, ग्लोबल विलेज बन गई। और कौन सी दूर जा रही है, प्लेन टिकट लेके आ जाएगी मिलने? भाईजान मेरा तो नेपाल का वीजा रिजेक्ट हो गया था, मैं कैसे जाऊंगा अमल से मिलने के लिए? भाईजान वैसे भी कोई इतना आसान थोड़ी होता है घर छोड़कर आना। अब आप देखें नसीम अबू की बेटी साइमा क्या नुक्कड़ पे रहती है, वो दुबई में 5 साल हो गए नहीं आई, माँ को पूछा ही नहीं, आकर देखा ही नहीं। तो नसीमा पुप्पो चली जाती है ना वो दुबई में नुक्कड़ में जहाँ वो रहती है, उनकी बेटी। क्या हो गया? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़का अच्छा लगा मुझे, सुलझा हुआ, आर्टिकुलेट सा, तो मैं तो इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ उसको। भाई दुनिया का कौन सा लड़का है जो रिश्ता देखने के लिए आया हो और गिरबान खोल के आया हो, मुँह में गुटखा डाल रहा हो, पान की पिचकारियाँ मार रहा हो? दुनिया में कौन सा लड़का है जो रिश्ता देखने के लिए आया और आंखें मार रहा हो लड़की को? ऐसा ऐसा नहीं होता भाईजान, मुझे तो उम्र में भी बड़ा लग रहा है, खुदा की कसम मुझे उम्र में बड़ा लग रहा है, बाल काले किए होते उसने, और ये जो MBA की डिग्री है ना भाईजान, ये तो ऑनलाइन मिल जाती है। भाईजान करीबी थाने से पता करवाएं, क्योंकि लोग एक चेहरे पे दूसरा चेहरा चढ़ा लेते हैं भाईजान, आपको नहीं पता। सिकंदर आई लाइक योर कंसर्न, तुम अपने भतीजे के बारे में फिक्र मंद हो, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने भी कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता करेंगे, खोज लगाएंगे उसके घर का, और बात यह कि लड़का अच्छा भी हो और बाद में फिर वो पहलवानों के खानदान से निकल आए तो कुछ सबक सीखे। भाईजान पापा ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो अपना टाइम ले लें, सही से कीजिएगा। ऐसे ही करेंगे, या फैमिली एक दूसरे से मशवरा करके किसी फैसले पे पहुंचेंगे ना। हाँ या फैमिली भाईजान भाईजान अमन का नसीमान नसीमान दे आप। ये क्या था, तुम लोग विस्पर कर रहे हो? इट्स आउट ऑफ मैनर, समझाओ उसे निगो, अगले घर को जाना है उसने। चलो कुछ देर के लिए बात टल गई। वो कल रात को एक आमद हुई थी 3:30 बजे। चलो कुछ देर के लिए बात टल गई, बेवफाई की कालक वो मेरे मेरे मुंह पे मल गई। चलो कुछ देर के लिए बात टल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ अजलान इस बात पे कि तुमने कराची में घर ले लिया, तुम सेटल हो गए हो। बस आनी, आप भी तैयारी कर लें, आपने फटाफट मेरे पास कराची आना है। जरूर, मैं तो कराची भी आऊंगी और तुम्हारी पसंद से भी मिलूंगी, आई एम श्योर वो बहुत प्यारी है। हाँ प्यारी तो बहुत है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हनी का क्या करना है? हनी के बारे में सोचना छोड़ दो, मुझे तो उस इंसान का ख्याल आता है जिससे हनी का रिश्ता होगा, उसका क्या बनेगा? भाभी ने अपने लाड़ प्यार में ना हनी को बिल्कुल अजीब सी शेप बना दी है, पता नहीं क्या होगा बेचारे का, किसके साथ गुजारा करेगी। अच्छा हनी एक बात तो बताए, फर्ज करें कि लड़की के अब्बा ने किसी लड़के को पसंद कर लिया है, तो इस रिश्ते को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या मतलब? अरे यानी क्या बताऊं, मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, अब लड़की के वालिद साहब ने ना किसी लड़के को पसंद कर लिया, हाय, और सुना है कि वो अपने फैसलों में काफी अटल है। हाय अल्लाह, फिर एक और नाकाम मोहब्बत। देखो अजलान कुछ भी करो लेकिन ये रिश्ता ना तुम वापस मोड़ दो, तुम्हें अंदाजा नहीं है पूरी जिंदगी का दुख कितनी बड़ी असियत होती है, कुछ भी करना पड़े ना
चाहे उस लड़के के पैर पड़ के मिन्नत समाजत ही क्यों ना करनी पड़े, कर लो। बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम पहले वालिद साहब के पैर ही पड़ जाओ। आनी, आजकल के जमाने में कोई पैर नहीं पकड़ता, हमें ना कुछ और सोचना पड़ेगा। आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ। ओके बाय। क्या बनेगा मेरे अजलान का? अरे अभी तो ये भी नहीं पता कि लड़की मानेगी कि नहीं। जिंदगी में कोई एक मुसीबत है? पूरी दुनिया छोड़ के अजलान साहब तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या? अब भुगतो, भुगतो। चलाकी से मुझे वो कंगन हड़प लिए, मैंने कुछ नहीं कहा। पीछ नहीं जा रही है, माँ की आखिरी निशानी है यार। कुछ भी हो जाए जोया जी, मैं वो कंगन आपको ला के दूंगा, I promise you। इंतजार शाकार का वो आ चुका है यहाँ पे, प्लीज वेलकम उस्ताद जी। ताबी कुछ खाने चले, मेरा बहुत मूड हो रहा है बाहर जाके कुछ खाने का। अमल तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है? ताबी यार पापा ने बोला है कि वो उस लड़के की फुल इंक्वायरी कराएंगे, अभी उसकी फैमिली की भी, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। और वैसे भी मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि अजान मुझसे मोहब्बत करता भी है, सिर्फ खेल खेल रहा है मेरे साथ। लो जी ये कटा भी खुल गया, कैसे पता चलेगा? सोचना पड़ेगा, उसके लिए खाना पड़ेगा और फिर बाहर जाना पड़ेगा। पता है मूवीज में ना लड़का लड़की को गुंडों से बचाता है अपनी जान की परवाह किए बगैर, इससे फिर लड़की को अंदाजा हो जाता है कि इसकी मोहब्बत कितनी गहरी है। तभी 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 तुम्हारी मासूमियत में मुझे इतना धांसू आइडिया आया, तुम्हारी सोच है। तभी तुम बस मेरे लिए एक काम कर दो, अजलान के फोन से मुझे जामी का नंबर ले दोगे? अब ये जामी कौन है? कौन है ये भी बता दूंगी, उससे काम क्या है ये भी बता दूंगी, लेकिन प्लीज देखो मैं तुम्हारे कितने काम करती हूँ, प्लीज 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 तुम्हारे सारे काम करती हूँ, जामी का नंबर। ओके 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 आप ही कहती हैं तुम अमल में इंटरेस्टेड हो? सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हूँ चाचू, मोहब्बत करता हूँ उससे, और अगर ना मिली ना मुझे तो आपकी तरह जोक ले लूंगा। अबे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और मैं कैसे बताता आपको, मैं तो चिल में था यार, वो बीच में हैंडसम आ गया। वो ऊंट पता नहीं भाईजान को क्यों पसंद आ गया, बहुत इंप्रेस है उससे। भाई कुछ भी करके उसको कटा दे, मेरे बाप कटा दे उसको, कटा तो कोशिश कर तो रहा हूँ, कितनी दफा उनको बताया कि शानदार सा नया बंगला लिया है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो है कि समझते नहीं। मुझे लगता है वो ना पुराने बापू की तरह है, एक दफा बेटी के बारे में किसी को चुन लिया सो चुन लिया, दूसरे लड़के के बारे में सोचता भी हराम है उनके लिए। अबे कुछ करो भाई, कुछ करो कुछ करो, मामला सीरियस होता जा रहा है। अरे तो क्या करूं मैं चाचू, रात को सोने से पहले टांगे दबाऊं जाके उनकी? नहीं काश कि कोई मिरेकल हो जाए, फिल्मी सीन हो जाए यार, होता है ना फिल्मों में डाकू आता है, हीरो सबको बचा लेता है, फिर हीरोइन के बाप के दिल में जगह बना लेता है, लेकिन वो सब तो फिल्मों में होता है, क्या होगा? दुआ कर दुआ कर। नहीं 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 मेरे बाप, नहीं डाकू नहीं, नहीं नहीं आ भी सकता है? नहीं नहीं, हमारा इतना बड़ा घर है उसमें सिर्फ दो लोग हैं, एक मेड है एक चौकीदार है, वो चौकीदार की गन नहीं चलती, उसमें जंग लगा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी फ्लो में आइडिया दे गया। चाचू यू आर अ जीनियस। अरे ये तो बोल रहा है मजाक कर रहा है ना, मजाक कर, ये मजाक है मैं, अरे यार अमल कितनी देर है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। पता नहीं, वादा तो किया था कि आएंगे, इतनी देर हो गई है, मैं खुद कॉफी के दो कप पी चुकी हूँ और नहीं पी सकती, बस
तो काम करते हैं ना, हम ये डंपलिंग्स और फ्राइड राइस मंगवा लेते हैं तब तक। ताबी, जितनी टेंस सिचुएशन में मैं हूं ना इस वक्त, मेरे हलक से भारी चीजें नहीं गुजरेंगी। है तो नो प्रॉब्लम, तुम्हें तो पता है कि मैं सब खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे टेंशन में भूख ज्यादा लगती है। आगे बोलो, आगे ताबी, आगे। हेलो 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 हेलो, अबे ये डाकू बनेंगे? हाँ, ये तो एंटरटेनर्स हैं। नहीं नहीं, इन लोगों को इस काम की प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी। बैठे ना, बैठे। हाय, कैसे हैं आप लोग? हमें किस लिए याद किया आप लोगों ने? हम बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी काम है। हम लोग समझ गए समझ गए, इतने नन्हे नहीं है ना, यकीनन शादी का फंक्शन होगा। नहीं नहीं फायदा नहीं, वली में था। नहीं, मुझे आप लोगों से एक और बहुत जरूरी काम है। आपके वो दिखाई नहीं दे रहे? देखे, डरे नहीं, और वो मेरे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे वो शो नहीं है। मतलब फोत हो गए? फोत हो गए। अल्लाह इस बड़े जमाने में इतना बड़ा सदमा ना दे। कभी उम्र ही कैसी बिचारे की। खैर आप फिकर ना करें, हमारे पास सैड सॉन्ग भी बहुत सारे हैं। अगर कोई रोना नहीं होगा ना, फूट फूट कर रोएगा। देखें, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों की बकवास सुनूं। मैं अपनी बात करने आई हूं, इसलिए आप लोग अपनी बकवास बंद रखें। हम अपनी बकवास बंद कर लेते, आप शुरू करें। मेरा मतलब आप बोले। टू टाइम। वो आपकी बात तो सुन लेंगे, लेकिन 2 महीने से हम लोगों ने कुछ अच्छा खाया नहीं है, सिर्फ चाय पराठे पे गुजारा किया है। इतना अच्छा रेस्टोरेंट में बुलाया, कुछ मंगवा ले। कुछ मंगवा ले तो उसके बाद करेंगे ना। जी तो अभी नदी दे, ये ले आप। नहीं मैं साफ नहीं खाना। ये क्या है? डायनामाइट है? बम खिलाते हैं क्या? अबे नहीं छोड़ो। ये क्या है? निपोलोशन डिप्राइज क्या है? नहीं पता नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने को छोड़ो, तस्वीरों से मंगा लेते। ये बर्फी मंगा लेते, बर्फी से, ये चावल, और ये क्या बोलते हैं बोटी, और ना कूरमा, और ये भिंडी गोश्त, भिंडी गोश्त। हाँ ये मंगा ले। नहीं नहीं देखे, ये मेन्यू आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ और मैं अपनी मर्जी से मंगा लेती हूँ, ठीक है? और अच्छा मंगाऊंगी सब। अच्छा अच्छा, मैं इनके सामने तो मैं काफी जीनियस और इंटेलिजेंट नहीं लग रहा, डिसेंट नहीं लग रहा? हाँ बहुत डिसेंट लग रहे हो ताबी। अब वेटर, एक्सक्यूज मी, वेटर वेटर, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं ताबी, एक्सक्यूज मी। हाँ निकलवा देंगे हमें। वेटर आइए आइए, प्लीज वेलकम वेलकम। और ये है मेरी छोटी सी चार दीवारी। वेरी नाइस वेरी नाइस। भाई घर तो बहुत आलीशान शानदार लिया तुमने, मैं तो कहता हूँ अब आबाद भी कर लो इसे, घर वालों को बुला लो। जी बिल्कुल। भाईजान आपको पता है कि ये घर अजलान ने अपनी जाती मेहनत से बनाया है। अच्छा, बनाया नहीं, खरीदा है। खरीदा, बनाया खरीदा की बात होती है। अच्छा, और आपको पता है ये जब लंदन में था ना, तो पढ़ाई के साथ साथ इतनी अच्छी जॉब भी कर रहा था। माशाल्लाह से और जॉब्स करता था? और नहीं, बैंक में। That's like a good boy. ये बहुत अच्छे लगते हैं, जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल बच्चे। थैंक यू सर। इसीलिए मैंने वो अमल का जो रिश्ता है वो आज़र से तय किया, वो भी बहुत जिम्मेदार और सुबर लड़का है। भाईजान ये तो आज़र के मुंह की बातें हैं, आजकल तो हर कोई अपनों मुंह में मिठू बन रहा होता है। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं कहो, वो तो आएगी उसकी अब इंक्वायरी रिपोर्ट तो पता चलेगा, लेकिन और मुझे यकीन है कि उसके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। तुम सब लोग दुआ करो। लेकिन वो भाईजान, वो कहते हैं ना कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ बातें में क्या ले बैठे। अच्छा अब बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी? देखिए मैं आपसे ये कह रही थी
कि आपको सिर्फ डाका डालने की एक्टिंग करनी है। ये बात आपने खाने से पहले हमें क्यों नहीं बताई? अब तो आपने नमक खा लिया। नहीं भाई नहीं, इस पेशे का नाम सुन के हमारा खून खोल जाता है, हमें नफरत है, दर्द भी होता है। देखे पिछली दफा आप दोनों ने असल में डाका डाला था, इस दफा मैं आप लोगों को असल में डाका डालने का नहीं बोल रही। इससे बेहतर तो हम ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दे, वो कमा ले, वो सही है। अच्छा, ताकि बच्चे सारी जिंदगी सच्ची ना बोल सके, है ना? माशाल्लाह शक्ल से तो आप लोग इतने बेवकूफ और घामड़ लगते ही हैं, टीचर बनकर के बच्चों को खाक पढ़ाएंगे? इतनी बेइज्जती हम कभी किसी की बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इस बार कर लेंगे। नमक है ना, क्योंकि हमें ये बीबी जो है ना जरूरतमंद लगी है, बिल्कुल हमारी तरह। जी और मुझे भी ये काम किसी और से नहीं करवाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों से ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं। गिन के बता कितने हैं ये? कितने? आप ये पैसे तसल्ली से घर जाके गिन लीजिएगा, पहले आप सुन ले कि आप लोगों को करना क्या है। इतने पैसे? अरे इतने पैसे हमें कोई दे तो हम तो 20 सड़क पे डांस भी कर सकते हैं। अच्छा चलें, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम इसरा बाजी। वालेकुम अस्सलाम नवाब, कहाँ थे तुम इतना टाइम? वाह जी वाह, आज तो आप बड़े प्यार से बात कर रही हैं इसरा बाजी। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो, तो तुमसे पहले ही अच्छे से बात कर लेती। वाकई? मतलब फाइनल हो गया है? मतलब शादाब को हराकर मैंने मुदान मार ली है? देखो नवाब, अब तुमने ना जुरत का मुजाहरा करना है, कदम पीछे नहीं हटाने। पना जी ना, आपने घबराना नहीं है, मैं मर्द का बच्चा हूँ, पूरा खानदान मिलके भी मुझे डंडे मारेगा ना, मैंने पीछे नहीं हटना। मेरी अम्मी पता क्या कहती हैं? मेरी अम्मी कहती है जिद का तुम बड़ा ही बुरा है। वो बच्चा नहीं होता छोटा सा जो अपने अब्बे को कहता है कि मैंने चीज देनी है, मैंने चीज देनी है, वैसी जिद है मेरी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी जुर्रत की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे एक बात तो बताएं, अभी तक मेरे और शादाब के वोट तो बराबर चल रहे थे, फैसला मेरे हक में कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीता रहे, खैर से आना हुआ? जी खाला, मैं तो ऐसे बस सलाम करने आया था, लेकिन इसरा आप ही ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है, दिल बाग बाग हो गया। इसरा बाजी, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने? कुछ नहीं भाभी जी, मैंने नवाब को सिर्फ ये ब्रेकिंग न्यूज बताई है कि आपने ना अपना दामाद मुंतखब कर लिया है हमारे नवाब को। पिटे मुंह आपका, और चल भाई निकल यहाँ से, चल। तौबा, 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 तौबा। कोई अपने होने वाले दामाद को धक्के देके घर से निकालता है क्या? नहीं, पर जिसे दामाद ना बनाना हो ना उसे धक्के ही मारी जाए। चल, चल, मतलब मतलब आपने उस शादाब को सिलेक्ट कर लिया? खाला आपको पता है ना, उसका और मेरा इट कुत्ते का वैर है, मैं इट हूँ और वो, समझ रही है ना आप? मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सिलेक्ट करके ना आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ओए बकवास बंद कर तू अपनी, हुन तू मैनू दसेगा मैं की करना की नहीं करना, चल निकल यहाँ से। इसरा बाजी, एक क्या हो रहा है मेरे साथ? वो होने वाला दामाद हूँ मैं। कुछ नहीं भाभी जी, इधर इधर इधर। नहीं नवाब, टेंशन की बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ असल बात। भाभी जी की हुई होगी लड़ाई भाई जी से, तो वो गुस्से में है और गुस्सा इंसान किस पर उतारेगा, भांजे / दामाद के ऊपर ही ना। ओए ओए ओ, चल निकल यहाँ से। माँ को बोल कोई तेरे मियार का रिश्ता तलाश करे। हाँ
रात दी कोड के लिए ते शैतीरा नू पाए चप्पे। ते मतलब मैं ना समझा जावा जी। खुदा हाफिज। ये हनी किधर है? खुदा हाफिज तो आपने बोल दिया ना। अब अस्सलाम वालेकुम तो मैं उससे लेने आया हूँ। पूरे 2000 का पेट्रोल साड़ कर आया हूँ यहाँ पर। ओए, खुशकिस्मती से ना वो कार में ही नहीं है। सही है भाई, सही है। लेकिन खाला एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, रिश्ता ठुकरा के ना बहुत बड़ी गलती करनी है आपने, बड़ा पछताना है आपने। पता है क्यों? नया कारोबार ओपन कर लिया हमने, देखिएगा 2-4 दिन की गल है, फिर देखें लहरें पहरे हो जानी है, नोट ही नोट। वाह भाई वाह, क्या कारोबार शुरू किया? पोल्ट्री फार्म खोलने लगे हैं हम। अब और ने 100 चूचे मंगवा ली हैं। 100 चूचे? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो अंडे मुर्गी का कारोबार था, अब तो भाभी जी चूचे भी आ गए। इसरा जी, आप फिक्र ना करें, आपके भाई ने ना आपके लिए रिश्ता ढूंढ लिया, वो भी हमारे खानदान से ही। वो है ना साजिद पान वाला, उसके साथ करा रहे हैं इसकी शादी, फिर दोनों मिलके लाएंगे चूने। एक होल गल, शादी ते ना मुर्गियां तुहाडे पोल्ट्री फार्म तो मंगवाएंगे। हाँ, ते खूब बनावेंगे कढ़ाइयां। मुंह धो के आओ भाभी जी, क्योंकि ऐसा तो ना कभी नहीं होना। होगा जी, होगा होगा इसरा बाजी, होगा, जरूर होगा। आपकी शादी में जो खाना बनेगा ना, मेरी पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां आएंगी कटाकट। ओए ओ तू चल निकल, चल निकल यहां। खाला, खाला, खाला मेरी बात तो सुनो। दामाद कमिंग सून। ओ चल तू निकल, तेरा दामाद कमिंग सून। चल बार, एडा तू दामाद कमिंग सून, सारा मेरा कमरा खराब करता है। और मुझे ये बताओ कि साइकिल का ओके ना बस। हाँ बस ठीक है, ये मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? घर पे तो सब ठीक है ना? तुम हमारे घर में इतने दिन डेरा डाल के बैठ सकते हो, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे घर? नहीं आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? आओ चाय पिलाऊं तुम्हें। नहीं, मौसम अच्छा है ना आज? नहीं आज तो काफी काफी धूप नहीं निकली भी। नहीं अच्छा मौसम है मेरे लिए, यही अच्छा होता है। हाँ मौसम तो आज बहुत अच्छा है, वाकई सही कह रही है। लॉन्ग ड्राइव पे चलो। फिर भी देखो चले है, चले है, चले।